ओके जी, आज हमने बहुत शॉर्ट सा सेशन करेंगे। आज आपके क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों को हम थोड़ा सा बताएंगे कि आपने कैंपेन कैसे लगानी है, आपने फेसबुक बिजनेस अकाउंट को एक्टिव करने का तरीका देख लिया, एड अकाउंट बनाने का तरीकाकार आपने देख लिया, ऑडियंस देख ली, आर्टवर्क कैसे ऐड करना है वो सब चीजें देख ली, ठीक है। आज उस पे एड लगाते कैसे हैं, फ्रॉम ए टू जी क्या लेवल्स होते हैं, कहाँ पे क्या चीज सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। वही स्टेप्स हैं जो कि हमने पिछले अपने 5-6 क्लासेस से रेगुलरली देखे हैं, ठीक है। सबसे पहले फोन जो आ रहा है इसको ऑफ कर लें, सेशन के दौरान ये कॉल करते हैं लाजमी और डेली। अहमद भाई सेशन में हूँ मैं, सेशन के बाद आपको कॉल करता हूँ। ओके, तो यहाँ से आपने जिस टाइम आप इस विंडो के ऊपर आ जाओगे, ये बेसिकली है आपका एड मैनेजर का विंडो, ठीक है। एड मैनेजर के ऊपर आप होगे, यहाँ से आपने इसको क्लोज करना है सबसे पहले, और सेकेंडली कैंपेन लेवल पे जब आप होगे आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपके सामने एक विंडो आ जाएगी जिसपे इसको आप कट कर दोगे, ठीक है, ये आपके सामने विंडो आ गई। आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने पोस्ट एंगेजमेंट करनी है, आप चाहते हो कि आपके फेसबुक के ऊपर लोग एंगेज हों, आप कोई पोस्ट कर रहे हो वो लोगों तक पहुंचे, उस पर लोग कमेंट करें, मैसेज करें, कोई चीज बेच रहे हो तो आपसे एंगेज हों, तो आपने एंगेजमेंट मंगनी की कैंपेन को सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट होके जाए, ठीक है, आपने एक वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर मुझे ट्रैफिक चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, वहां पे मैंने इतने मजे के इतने कमाल की प्रोडक्ट्स लगाई हुई है कि लोग वहां पे जाएंगे तो उनके मुंह में पानी आएगा, वो जी ललचाएगा कि मैं इसको बाय कर लूं, ठीक है। इसके अलावा आप मैसेजेस की कैंपेन चला सकते हो कि मेरे इस एड को देख के लोग मुझे इनबॉक्स मैसेज करें, ठीक है, और या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मैसेज करें, जी मुझे चीज बाय करनी है, मुझे आज ही खरीदनी है। अगर आप लीड जनरेशन के ऐड चला रहे हो, लेट्स सपोज आप किसी तरह के क्या उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, ठीक है, सब्सक्रिप्शन किस तरह की होती है कि जी मैं आपका फॉर्म फिल करके आपका सब्सक्राइबर बन गया हूँ, अब आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, तो वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद फिर कन्वर्जन होती है, अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी पास वेबसाइट है उस पर पिक्सल अटैच है, वो ऑनलाइन सेल की ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो आप यहाँ से कन्वर्जन के ऐड चला सकते हो। कन्वर्जन का मतलब होता है सेल, आप फेसबुक को बता रहे हो कि मुझे इस एडवर्टाइजमेंट से सेल चाहिए, मैंने यहाँ से सेल उठानी है, मैं इन चीजों को सेल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्जन के ऐड के ऊपर आप डिफरेंट चीजें लाइक सर्विसेज भी बेच सकते हो, कि जी किसी ने लोगो बनवाना है, $10 में लोगो बना के दूंगा, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना होगा, वो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, डाटा आ जाएगा हमारे पास, हम आपसे रब्ता करेंगे, और इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो हम सिंपल पोस्ट एंगेजमेंट वाले से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो चीज ये है कि एक बजट जो सेट होता है वो होता है कैंपेन लेवल के ऊपर, ठीक है। कुछ लोग इसको अप्लाई करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मैं पर्सनली इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ, मैंने कैंपेन लेवल के ऊपर बजट सेट नहीं करना। मैंने बजट कहाँ पे लेके जाना है, मैंने बजट लेके जाना है अपने एड सेट लेवल के ऊपर, ठीक है। अभी इस कैंपेन को कंप्लीट करके मैं आपको बजट का और इस एड सेट के फंक्शन थोड़े से बताता हूँ कि इसको आप मल्टीपल यूज कैसे कर सकते हो। देन फिर ये वही चीज आ गई, सबसे आपने इस एड सेट का नाम देना है, और इससे पहले आपने इस कैंपेन का नाम देना है। यहाँ पे आ गई, किस चीज की कैंपेन चला रहे हो, ये इसको इस प्रोसेस को कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। ये किसके लिए जरूरी होती है, सिर्फ आपकी जात के लिए, किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को, दुनिया में किसी बशिंदे को ये नाम नजर नहीं आ रही, सिर्फ आपको नजर आ रही है। 10 साल बाद 20 साल बाद भी आप देखोगे ना इस नामों को, तो आपको इनके नाम देख के आइडिया हो जाएगा कि ये कंपेन किस चीज की है, मैंने कब लगाई थी, इसके अंदर क्या क्या आइटम है, ठीक है। तो मैं जो पर्सनली इस चीज को फॉलो करता हूँ, मैं सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपका ऑब्जेक्टिव है एंगेजमेंट, आपने कब किस डेट को ये कंपेन लगाई, इसके अंदर क्या है, आप कुछ सेल कर रहे हो,
या आप ब्रांडिंग के लिए लेके जा रहे हो, या आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं जी मोबाइल बेच रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी मोबाइल फोन सेल इवेंट, कि मोबाइल फोन के सेल का इवेंट लगा हुआ है और मैं यहाँ से मोबाइल फोन सेल कर रहा हूँ। इस टाइप का कुछ भी जो आपकी याद दहानी के लिए, आपकी आसानी के लिए हो, ठीक है। सेकंड, हम एड लेवल पे आगे। एड लेवल की नेमिंग कन्वेंशन हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया पीके कि ये एड पाकिस्तान में चल रहा है। अगर आप किसी स्पेसिफिक शहर में चला रहे हो तो जी ये एड सिर्फ लाहौर में है, या लाहौर कराची इस्लामाबाद में चला रहे हो तो ये KLI में। देन एज डाल दी कि 18 से 52 ईयर्स के लोगों तक इस एड को मैंने पहुंचाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि ये एड मैंने ऑल, मतलब मेल और फीमेल दोनों को दिखाना है, या ये एड मैंने सिर्फ खवातीन को दिखाना है, या ये एड मैंने सिर्फ मर्द हजरात को दिखाना है। तो मैं यहाँ पे इनके नाम मेंशन कर दूंगा। उसके बाद इसमें मैं लिख दूंगा, मतलब ये हो गया, अगर दोनों को दिखाना है तो मैं कर दूंगा ऑल। उसके बाद ये सेट को मैं सिर्फ मोबाइल फोन पे दिखा रहा हूँ, प्लेसमेंट ऑटो पे रखी हुई है, या सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर, या मोबाइल इंस्टा के ऊपर, मोबाइल / इंस्टा, ठीक है। तो इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन, ये कन्वेंशन जो मैं खुद यूज करता हूँ। मैं कभी भी अपनी कंपेन खोल के देखता हूँ तो मुझे इस नाम को पढ़ के आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार, ये ऑडियंस 18 से 52 ईयर्स की है, KLI में चल रहा है, ऑल का मतलब मेल फीमेल है, और ये मोबाइल और इंस्टा पे चल रहा है। या अगर मैंने इसको ऑटो पे छोड़ा के डेस्कटॉप और राइट कॉलम, लेफ्ट कॉलम, इंस्टाग्राम, सब जगह पे दिखाओ, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आती है ऑडियंस की। ऑडियंस का पार्ट हमने पढ़ना है इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट उसके अंदर, ठीक है। बहुत मजे का, बहुत ईजी है और बहुत मजे का पार्ट है, ठीक है। ये थोड़ा रीमार्केटिंग वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, तो इसको हम पार्क कर देते हैं अभी अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। इसके बाद लोकेशंस पे आ गए। लोकेशन हमने कल देख ली थी, हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिन लोकेशन डाल के गली, मोहल्ला, चीचू की मलिया, कुछ भी यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एज आ गई, आपका जेंडर आ गया, आपके टारगेटिंग आ गई, कौन कौन सा स्टूडेंट है जिसने टारगेटिंग को कल से लेके आज तक रिवाइज किया, या इस विंडो को खोल के इसको अपना दीदार बख्शा, ओके। देन आपकी प्लेसमेंट्स आ गए, अटेंडेंस लिंक, अटेंडेंस लिंक नहीं मिलेगा, अटेंडेंस खत्म हो चुकी है। यहाँ कौन क्यों जरूरी फॉर दैट इंफॉर्मेशन के इस SP और फॉर और इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है, ये फेसबुक के लिए, किसी दुनिया में किसी बंदे के लिए नहीं है। बट फिर भी मज़ा नहीं आया कंपेन का सर, किस तरह का आपको मज़ा चाहिए? ठंडा गिलास शरबत का पियो, शायद आपको मज़ा आए, ठीक है। और बजट वगैरह हमने यहाँ से सेट कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये सारी सिलेक्शन करने के बाद इसको कंटिन्यू किया। अब हम पहुँचेंगे अपने फाइनल स्टेज के ऊपर। फाइनल स्टेज के ऊपर यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं, लाइक मैं इसको याद दहानी के लिए हम यहाँ इसमें मैं लिख देता हूँ कि जी ये पोस्ट नंबर 1 है और इसमें हमने मोबाइल फ़ोन दिखाने हैं, तो जी मैं सैमसंग के मोबाइल फ़ोन दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे XYZ ऐड कर सकते हो अपनी याददाश्त के लिए। देन आपने यहाँ से सेलेक्ट किया अपना फेसबुक का पेज और उसका इंस्टाग्राम आपने ऐड किया हुआ, तो उसको अब आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगी। पहली ऑप्शन होगी क्रिएट ऐड। क्रिएट ऐड में आप जाओगे तो अब यहाँ से अपने लिए ऐड नया क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करना है, ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने जो भी प्रोडक्ट ऐड करनी है उसकी तस्वीर को आप अपलोड भी कर सकते हो, इसकी तस्वीर यहाँ से। लेट्स सपोज मैं इस तस्वीर को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये तस्वीर आपके पास आ जाएगी, और कोई पुरानी अपलोड तस्वीर की हुई है तो आप उसको उठाओ और उसको यहाँ से अपलोड कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे स्टोरी कैप्शन लिख सकते हो, लाइक कुछ टेक्स्ट लिख दो यहाँ पे, बाय नाउ शॉप हेयर ब्ला ब्ला, जो भी आपका दिल करता है अंग्रेजी। उसके बाद ये होता है कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। ये बटन कहाँ पे डिस्प्ले होता है, ये आपकी तस्वीर के एग्जैक्टली नीचे एक बटन ऐड हो जाएगा जिसपे आपने शॉप नाउ कर दी, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का आप लिंक डाल दोगे आपने
किस वेबसाइट से शॉप करवाना है या किस पेज के ऊपर लैंडिंग करवानी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये शॉप नाम आ गया, स्टोर का नाम और वो पेज का नाम और वो सारी चीज़ें आ गई। और यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे तो आपकी ये कंपेन लाइव हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी और रन हो जाएगी, ठीक है। अब इस जैसे ही आप कंपेन को लाइव करते हो, इन ड्राफ्ट में थी, ड्राफ्ट से ही चली जाएगी रिव्यू में। रिव्यू में क्या होगा, फेसबुक इसको रिव्यू करेगा और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस और अपने एसओपीज और उसके हिसाब से देखेगा क्या ये चलने के लायक है, नहीं है, इसमें कोई एरर है, नहीं है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखो, ये इन रिव्यू चली गई, ये रिपोर्ट। यहाँ से हमने देखा कि ये आ रही है हमारे पास 13 जून मोबाइल वाली इन रिव्यू है। अब इस कंपेन लेवल के ऊपर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट लेवल से हम क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे हम एड लेवल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इन सबके स्टेट थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे, थोड़ी थोड़ी रिपोर्टिंग डिफरेंट होगी, ओके। अब हमने क्या करना है, अच्छा ये थोड़ी देर तक रिव्यू में रहती है, नॉर्मली 6 से 8 घंटे तक का टाइम भी लेता है, ठीक है, ये भी एक नॉर्मल टाइम है। कभी बहुत जल्दी हो जाती है, लाइक जल्दी भी होगी तो आधे घंटे में जल्दी होगी, ठीक है। और कभी कभी जब लोड ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, रश ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग ऐड लगा रहे हैं तो एक क्यू में लग जाती है और इसको 18 घंटे 24 घंटे भी लगते हैं। बट आजकल इतना रशी टाइम नहीं है, आजकल इतना पीक टाइम नहीं है, बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि एडवर्टाइज नहीं कर रहे इस टाइम में, तो इस टाइम थोड़ा स्लो डाउन है। तो मैक्सिमम घंटा 1.25 घंटे में आपकी कंपेन लाइव हो जाती है, ओके। नाउ अब आपने एक कैंपेन को बना लिया, बिल्ड कर लिया, अब आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर It's सकते 10, हो और 15. इसकी ऑडियंस को डिफरेंट बना सकते हो, ठीक है। उसका तरीका कार क्या होता है, अब छोटी सी चीज को समझने की कोशिश करना। मैंने एक कैंपेन को खोला, इस कैंपेन के अंदर कितनी कैंपेन्स आ रही हैं, काफी सारी मैंने इसमें एड लगाए हुए हैं, ठीक है। अब स्टोरी क्या होती है बैकएंड पे, कि ये जो मस्जिद जिसके ऊपर लिखा हुआ है और जिसके ऊपर सूफी फ्रेम्स लिखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों की ऑडियंस अगर सेम है, ठीक है, तो ये फेसबुक के ऊपर दोनों जाके लड़ रहे होंगे, कंपीट कर रहे होंगे एक दूसरे को कि मैंने पहले शो होना है, दूसरा कह रहा होगा मैंने पहले शो होना है, ठीक है। और इसके साथ और बहुत सारे एड्स होंगे, वो सब भी लड़ाई झगड़े में मसरूफ होंगे। इसको हम थोड़ा सा एक्सेल के ऊपर देखते हैं कि ये पार्ट कैसे बनता है। एक ब्रांड है जिसका नाम है कोका कोला, दूसरा ब्रांड है जिसका नाम है पीप्सी, तीसरा ब्रांड है जो कि है 7 अप, और चौथा ब्रांड है जिसका नाम है फेंटा। अब इन 5 ब्रांड्स ने अपने एड लगाना शुरू किए फेसबुक के ऊपर, 4 हैं, तो पांचवा कौन सा करें, पांचवा हम कर देते हैं शैतान जूस। अच्छा, इन 5 ब्रांड्स ने अपने फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज करना शुरू किया कि जी हमको फेसबुक पे अपना एड लगाना है, और सबकी जो लड़ाई होती है ना वो होती है टॉप प्लेसमेंट के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है कि टॉप प्लेसमेंट कौन सी होती है। फेसबुक खोला, स्क्रॉल डाउन करना शुरू किया, दिस इज टॉप प्लेसमेंट। पहली पोस्ट के बाद सेकेंड पोस्ट जो होती है ये स्पॉन्सर्ड एड, ये होती है टॉप प्लेसमेंट। हर जो भी आप ऐड लगाते हो वो इसकी लड़ाई में जुड़ जाता है कि मुझे टॉप की प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो एज लगाई, कि जिन लोगों को मैंने अपनी, जिन लोगों को एज वालों को ऐड दिखाना है, वो उसने बोला कि जी मुझे 18 से 52 साल दिखाना है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम एक सिमिलर लेते हैं कि इन सब ने ये एज लगाई, लोकेशन क्या लगाई
पाकिस्तान, सबने पाकिस्तान लगा ली। जेंडर क्या लगाया? जेंडर लगाया ऑल, उसके बाद टारगेटिंग, टारगेटिंग ऑलमोस्ट सबकी सेम ही थी। ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, स्टूडेंट्स, जो जो उसने किया वो ऑलमोस्ट टारगेटिंग सबकी सेम ही थी, हम इसको ज़ूम करते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट, प्लेसमेंट सबका था जी ऑटो। उसके बाद सबसे, वैसे इस चीज सबसे पहले आती है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या था इनका जी, पोस्ट एंगेजमेंट थी। बजट सबने लगाया 500, छोटी छोटी कंपनी है ना, गरीब सी, तो 500 रुपये लगाया। ठीक है, कम बजट रखते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनको भी समझ आनी चाहिए। ओके, अब हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक केस स्टडी को पकड़ लिया कि जी ये पांच ब्रांड्स हैं, ये पांच मार्केटिंग कर रहे हैं, इन्होंने एज सिमिलर रखी हुई है, लोकेशन सिमिलर है, जेंडर सिमिलर है, टारगेटिंग सारी सेम है, प्लेसमेंट सारी सेम है, ऑब्जेक्टिव भी सेम है, और सबका बजट भी सेम है। लड़ाई किस चीज की हो रही है? टॉप प्लेसमेंट की, सबसे ऊपर एड किसका आएगा। ये जिस टाइम एड रिव्यू में जाते हैं ना, उस टाइम पीछे ये सारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं। ठीक है, अब उसको फेसबुक किस तरह से सॉर्ट आउट करता है, अलग अलग फोल्डर्स में बना देगा। जैसे उसने पोल नंबर वन बनाया, ये बना दिया पोल वन, ये बना दिया पोल टू, ये बना दिया पोल थ्री, ये बना दिया पोल फोर। ठीक है, अब उसने कहा कि जो जो एड पोल वन में डिस्प्ले होंगे मैं इसको दूंगा टॉप पोजीशन, ये आएगा सेकंड पोजीशन पे, ये आएगा थर्ड पोजीशन पे, और ये आएगा फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ये पांच एड्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं, पांच ब्रांड्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं। अब कोक वालों ने क्या बीच में एक छोटी सी वो किया कि कोक वालों ने किया जी 1.1, कोक वालों ने एक एड और लगा दिया। ठीक है, उन्होंने एक एड और लगा दिया जो कि इसी सेम उसके साथ था, बट इसके बजट को उसने कर दिया जी मैं 1000 रुपये कर देता हूँ। अब ये सब कुछ सेम है, बजट थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब इस कंपटीशन में पांच नहीं होंगे, अब इस कंपटीशन में 6 एड्स चल रहे होंगे। दो कोक की आपस में लड़ाई होगी, ठीक है, और बाकी इन चार की लड़ाई होगी। अब ये किया, पेप्सी ने भी 4 ऐड कर दिए, कोक ने भी 5 ऐड कर दिए, 7 अप ने भी 10 ऐड कर दिए, फेंटा ने भी 10 ऐड लगा दिए, और शैतान जूस ने भी 10 ऐड लगा दिए। ठीक है, अब इस मुकाबले में आने के लिए जो फर्स्ट ये थी, ठीक है, यहाँ पे आपस में इन ब्रांड्स की लड़ाई, आपस में एक ब्रांड के एड्स की आपस में लड़ाई हो रही होगी। ठीक है, इसको हम किस तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि ये तो हमारी फाइनल लिस्ट तैयार यहाँ पे होगी, इसको आप कह लेते हो जी फाइनल लिस्ट फॉर टॉप एड, जो कि टॉप एड के लिए बनेगी। यहाँ पे एक न्यू लिस्ट बन जाएगी जो, जिसको आप कह लो कि ये सेमीफाइनल होगा। इसमें कोक का वन एड आ गया पहले, कोक का वन एड जो जीत गया वो पहले आएगा, सेकंड नंबर पे कोक का जो सेकंड एड है वो आएगा, फिर उसको तीसरे नंबर पे जी सेवन अप आएगा, फिर सेवन अप का जी कोई दसवां एड था उसने बिट जीती वो दसवें नंबर पे आएगा। इस तरीके कार से इनके ऐड चलेंगे। अब इसको हमें काउंटर करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी होगी कि हम जिस टाइम भी कंपेन बना रहे हैं और कंपेन में हम मल्टीपल एड्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करें कि हम इसको ऐड को चेंज कैसे करें। यहाँ से हम इसको कर दें 18 से 24 साल, और 18 बरस
अच्छा नहीं, बच्चे बैठे हैं, गाने नहीं आ रहे। और 25 से लेके 34 और कोक का एक और एड बना दिया। इसको 2 और इसको 3 कर दिया। पैंतीस से 44, ठीक है। अब यहाँ पे कंपटीशन में ये आपस में कंपीट नहीं कर रहे क्योंकि इनकी ऑडियंस डिफरेंट हो गई, इनके एज ग्रुप आपने डिफरेंट कर दिए, तो ये डिफरेंट ऑडियंस में जाना शुरू हो गए। अब इनकी लड़ाई का कैसे होगी कि वो एड जो कि 18 से 24 साल को टारगेट कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कि लेट्स सपोज कोक है और पेप्सी है और जो भी मतलब ब्रांड्स हैं एक्स वाई जेड, इनकी यहाँ पे शुरू हो जाएगी रैंकिंग। और आपको ये बताता हूँ कि रैंकिंग किस बेस पर होती है। कि जी कोक फर्स्ट सेकंड आ गया इस लिस्ट में, इसमें ये फर्स्ट आ गया, इसमें ये थर्ड आ गया, ठीक है। ये 18 से 24 साल की थी। सेकंड जो बिडिंग पार्ट चल रही है, जो सेकंड वो जो लड़ाई वाला सिस्टम चल रहा है, वो चल रहा है इस एज के पार्ट में। इसमें कोक फर्स्ट आ गया, इसमें दूसरा सेकंड आ गया, इसमें थर्ड आ गया। तो ये बेस्ट सिनेरियो होता है कि आप अपनी ऑडियंस को डिफरेंट करते हो, स्पेशली एज के पार्ट में। एज वाइज उनको आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें ऐड में दिखाओ। फिर आप लोकेशन वाइज डिफरेंट ऐड कर सकते हो कि मैं कहता हूँ जी मेरी एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने 18 से 24 साल को दिखानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ KLI को, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ PK, बट मैंने एक्सक्लूड कर दिया जाके माइनस KLI। एज दोनों पे सेम है बट दोनों पे लोकेशन चेंज हो गई है, ठीक है। फिर इसकी भी 18 से 24 साल मैंने एज रखनी है, बट इसको मैंने ऑल नहीं करना, इसको मैंने ओनली वुमेन कर दिया और ऊपर वालों को मेल कर दिया। इसको मैंने रखा KLI। अब KLI पे मेल के मेरे पास डिफरेंट है, PK माइनस KLI मेल्स डिफरेंट है, और तीसरी कैंपेन कौन सी है, KLI 18 से 24 वोमेन, ये डिफरेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद एक और काम मैं ये कर सकता हूं कि मैं एक न्यू कैंपेन और बना लूं, जिसको मैंने रखा ये काम दिया और इसको यहां पे ले गए और इसको कर दिया। सारा कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम, वुमेन को ही एड दिखा रहे हैं। इस एड को मैंने ऑटो की जगह कर दिया मोबाइल ओनली और इस एड को कर दिया इंस्टा ओनली, ठीक है। ये मेरा एड सिर्फ मोबाइल पे दिखेगा और ये मेरा एड सिर्फ इंस्टा पे दिखेगा। अब आप देखो इसमें जो सिमिलैरिटी वाला पार्ट है वो बहुत ही कम कर दिया, ठीक है। याद होगा बचपन में हम पढ़ते थे, मेरे से 5वीं की 6ठी जमात में रियाजी का मजमून में एक इंटरसेक्ट होता था और एक यूनियन सेक्ट होता था, वो दो सर्कल बनाए और इसमें जौन सा एरिया कॉमन आ रहा है वो यूनियन हो गया, जौन सा कॉमन नहीं आ रहा उसको इंटरसेक्ट, ऐसा कुछ सिस्टम होता था। तो हमने इन एड में अपना यूनियन वाला जो पार्ट होगा ना, कि इसमें सिमिलैरिटीज या एक जैसे मुशाबत कहाँ पे है, वो मुशाबत वाला पार्ट बहुत ही मिनिमम कर दिया, कम से कम कर दिया, ठीक है। अब देखो फेसबुक का जो बैकएंड सिस्टम जिस तरीके कार से चलता है, ठीक है, वो कुछ ये पैरामीटर्स है, वो इसकी बेस के ऊपर एड को अपने अपने पोल में डालता रहता है। फेसबुक का जो एक ऑडियंस का पोल होता है ना, वो 500 पीपल का होता है, 500 लोगों का एक पोल होता है जिसमें ऑडियंस को उसने फेसबुक ने रखा हुआ है। आपने जैसे ही अपना एड रन किया, उसने देखा कि इस टाइम और कितने एड रिव्यू के अंदर हैं या और कितने एड फेसबुक के उस एल्गोरिथम में क्यू में लगे हुए हैं, ठीक है। अब उनके साथ आपका एक कंपटीशन चल पड़ा,
पहले देखेगा कि जी ये 18 से 24 साल वाली लाइन इधर आ जाए, ठीक है, 18 से 24 वाली लाइन इधर आ गई। फिर उसमें लिस्ट में कि जी केएलआई कहाँ पे, केएलआई पाकिस्तान में, 18 से 24 साल पाकिस्तान वाली लाइन यहाँ पे आ जाए, पाकिस्तान वाली 18 से 24 साल वाली लाइन यहाँ पे आ गई। अब उसमें फिर डिफरेंट कर दीजिए, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, 18 से 24 साल पाकिस्तान लाइन ये यहाँ पे आ जाए, वो एक नेक्स्ट लाइन में चले गए। फिर वहां पे जाके एक बंदे ने आवाज कराई कि जी 18 से 24 साल केएलआई मेल हजरत इस लाइन में आके लग जाए, वो इस लाइन में चले गए। फिर टारगेटिंग के हिसाब से उसको डाल दिया कि जी 18 से 24 साल के एलआई वाले मेल हजरात जो कि ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि जे डॉट कोक स्टूडियो, आतिफ असलम, जितने भी ये पेज आपने टैग किए होते हैं, इन लोगों के जो ये लाइन है आप इस लाइन में आ जाओ। फिर उसमें ऑटो का भी फिल्टर ऐड कर दिया, या इंस्टा के ऊपर ऐड दिखाने तो इंस्टा का फिल्टर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये सारी पोल के अंदर आप फिल्टर होते 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 एग्जैक्ट आपको एक ऑडियंस मिल जाएगी। लेट्स सपोज फेसबुक पे इस टाइम पूरी दुनिया में लेट्स सपोज 3 अरब लोग फेसबुक यूज करते हैं, 3 बिलियन लोग, ठीक है। आपने एक अपना एक ये ऐड लगाया, ये वाला, अब फेसबुक कैसे 3 अरब में से आपके लिए बंदे कैसे ढूंढना शुरू करेगा, सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव देखेगा। यहाँ पे हमने सबसे लास्ट में लिखा है सबसे पहले होता है, ठीक है, कि फिल्टर लगाया जी फेसबुक पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बट आपको क्या चाहिए, आपको पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए। तो उसने एक पोस्ट एंगेजमेंट का फिल्टर लगा लिया, और इसको हम थोड़ा अगर लिखत पढ़त में करेंगे तो ये लिखी हुई चीज हमेशा याद रहती है, कोशिश किया करें, लिख लिया करें। लेट्स सपोज के फेसबुक पे है जी 1 लाख बंदा, आपने फिल्टर क्या लगाया, आपने फिल्टर लगाया पोस्ट एंगेजमेंट का। अब फेसबुक के पास जो डाटा है उसमें तकरीबन 80,000 बंदा आता है पोस्ट एंगेजमेंट के पास। फिर आपने अगला फिल्टर क्या लगाया, आपने अगला फिल्टर लगाया पाकिस्तान, तो वो कहता है यार 80,000 में से मेरे पास 30,000 बंदा है पाकिस्तान में से। आपने फिल्टर लगाया के एल आई, कहते जी पूरे पाकिस्तान में से तकरीबन 22,000 बंदा है जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में होता है। फिर आपने फिल्टर लगाया मोबाइल, मुझे मोबाइल पे ऐड दिखाना, तो वो कहता है कि चलो जी ठीक है 20,000 बंदा मैं आपको दे देता हूँ मोबाइल के अंदर, ठीक है। फिर आपने फिल्टर लगाया कि नहीं यार मुझे मेल चाहिए, वो कहता है कि जी 12,000 मेरे पास मेल है इस मोबाइल वाले पार्ट, मोबाइल जो मोबाइल यूज करते हैं वो मेल, ठीक है। फिर आपने अगला क्या फिल्टर लगाया, लोकेशन हो गया टारगेटिंग का, वो बंदे जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आतिफ असलम के गाने सुनते हो, अली जफर का पेज लाइक किया हो, और कोक स्टूडियो का पेज लाइक किया हो, और जे डॉट खाडी ब्लाबला मेरा ऐड उनको दिखा, वो कहता है कि जी ये सारा कुछ आपकी टारगेटिंग मार के कुछ 4,000 बंदा मेरे पास बचता है जिसको मैं आपके ऐड दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो किस तरह हम 1 लाख से इन फिल्टर्स को यूज करते हुए 4,000 के ऊपर आगे, एग्जैक्टली ऐसी कुछ चीजें फेसबुक के बैकएंड पे चल रही है। तो ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है, ये जो हमने टारगेटिंग ये देखी है, जो हमने ये फिल्टर्स, बेसिक ये फिल्टर्स होते हैं, इन फिल्टर्स को देखे, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। इससे 1,000 times कॉम्प्लेक्स फिल्टर फेसबुक के ऊपर रन कर रहे होते हैं, और ये सारी मशीन लर्निंग फेसबुक बहुत हद तक इस टाइम स्ट्रॉन्ग है, ये सारे काम मेरी सेकेंड्स में बैकएंड के ऊपर हो रहा होता है। अब जितने एड्स क्यू में होंगे, ये तो आपका एक एड था, ठीक है, इस तरह के कितने एड्स एक टाइम में क्यू में लगे होते हैं, उन सबको रिव्यू किया जाता है। अच्छा, अब जो पोजीशन वाला काम है ना, ठीक है, सबसे पहले ये पार्ट, इस पार्ट से आप गुजर गए कि जी ये 6 ब्रांड्स हैं, 6 ऐड है मेरे पास जो कि जिनके लिए 4,000 की ट्रैफिक है। अब इन 4,000 में से सबसे पहले किसको दिखाया जाए, सेकंड नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन, किसको ऐड दिखाया जाए, ठीक है। फिर फेसबुक चलता है 24 घंटे के एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना सर्कल, 24 घंटे का इसका सर्कल चल रहा होता है। प्राइम टाइम कौन से होते हैं फेसबुक के पाकिस्तान में, 6 बजे 6 PM से 1 AM तक, ठीक है, शाम 6 बजे से लेकर रात 1 बजे तक फेसबुक का प्राइम टाइम है, ठीक है। अब किसको मैंने सबसे एक्सट्रीम प्राइम टाइम देना है, किसको मैंने सेकंड प्राइम टाइम देना है, किसको मैंने थर्ड प्राइम टाइम देना है, किसको मैंने फोर्थ प्लेस टाइम की प्लेसमेंट देनी है, और कौन सा ऐसा बेचारा मजबूर गरीब है जिसको मैंने सुबह 5 बजे जिसका ऐड चलाना है, जिस टाइम सारी दुनिया सो रही होगी, सिर्फ चौकीदार बैठे हो उसके,
और कुछ वो यूफोन पैकेज वाले बैठे उनके ऐड देख रहे होंगे, ठीक है। ये किस तरह से सिस्टम चलेगा? एक तो ये पार्ट आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे जितनी आपकी प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं, जितने आपके फिल्टर्स बेहतरीन साफ सुथरे नफीस किस्म के फिल्टर्स होंगे, उतनी रेलिवेंट ऑडियंस, उतनी अच्छी ऑडियंस आप लोगों को मिल जाएगी। सेकेंड पार्ट आता है आपका ग्राफिक्स, ठीक है, उसके बाद कंटेंट। और उसके बाद जो एक दफा पोस्ट हो गया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जो रिपीट एड प्राइम टाइम में, पहला आपका एड 8 बजे नजर आए, दूसरा आपका 10 बजे नजर आएगा, तीसरा 11 बजे नजर आएगा, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, आपकी पोस्ट पे एंगेजमेंट, एंगेजमेंट रेशियो CTR, CPM और कमेंट्स कह लो या रिएक्शंस कह लो, ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके एड को ज्यादा अच्छा, ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट पे, अच्छी ऑडियंस पे और अच्छे टाइम पे शो हो, ठीक है। फेसबुक के अनुसार जो आपका 10 बजे का टाइम है, रात 10 बजे का, ये सबसे ज्यादा पीक टाइम है, सबसे ज्यादा रश इस टाइम होता है। सेकंड नंबर पे रश होता है 11 बजे, उसके बाद तीसरे नंबर पे 12 बजे, फिर 7 बजे और ये 5 बजे तक हमने वैसे ये लिखा था, ठीक है। ये इनके 4-5 टाइम है जो कि प्रायोरिटी वाइज आप इनको 1, 2, 3, 4 करके लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें जिसका ग्राफिक सबसे ज्यादा अच्छा होगा, अच्छा मतलब हाई रेजोल्यूशन इमेज है, टेक्स्ट कम से कम है, प्रोडक्ट है तो पीछे वाइट बैकग्राउंड है, अच्छे फूल बूटे और अच्छे कलर्स में और साफ सुथरा किस्म का इमेज है, ठीक है। किसी का बहुत कॉम्प्लेक्स है, 50 चीजें घुसाई हुई हैं, खिचड़ी बनी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये सर कहाँ पे है, पैर कहाँ पे है, तीतर कहाँ पे, बटेर कहाँ पे है, तो वो एड कन्फ्यूज होगा और फिर उसके ऊपर इतने ज्यादा चीजें चलेंगे। फिर सेकेंड नंबर पे आ जाता है कॉन्टेंट, फिर उसके बाद पोस्ट एंगेजमेंट आ जाती है कि आपके पोस्ट के ऊपर कितने लोग एंगेज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एंगेजमेंट पे रिएक्शंस कितने आ रहे हैं, रिएक्शंस माने कि कितने लोगों ने देखा, किसी ने क्लिक किया, स्क्रिप कर दिया, और स्पेशली उन पोस्टों को कि आप अपने मोबाइल पे घूम रहे हो या अपने डेस्कटॉप के ऊपर घूम रहे हो, ठीक है। और फिर आप ये जा रहे हो और यहाँ से आप वापस आए इस एड को देखने के लिए कि ये क्या एड है, तो फेसबुक आपका एक एक मिली सेकेंड क्या एक्टिविटीज है सारा कुछ नोट डाउन कर रहा है, ठीक है। आपने ये ऐड देखा और आप इस ऐड से वापस इस ऐड के ऊपर आए कि यार ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस। फिर आपने कहीं पे इस पे क्लिक किया, कोई लिंक वगैरह यहाँ पे दिया, उसको लिंक किया, रीड मोर का बटन यहाँ पे अक्सर आ रहा होता है, अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस, आज तो आ ही नहीं रहा, आके नहीं दे रहा, ये रहा, ठीक है। सी मोर, कितने लोगों ने सी मोर के ऊपर क्लिक किया और उस पूरे डेटा को देखना शुरू किया, कंटेंट को पढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो नोट डाउन होती है और उसकी बेस के ऊपर आपके एड को प्लेसमेंट मिली। फिर CTR क्या था, कितने लोगों ने एड देखा और कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, ठीक है, ये चीजें चलती होती है। देन आपका CPM कितना था, पर 1000 जो रीच थी वो कितने पैसों में मिली, फिर उस पर कितने कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कितना रिएक्शन कर रहे हैं। एक बहुत गंदी किस्म की वीडियो या बहुत गंदी किस्म की तस्वीर, कोई सर पैर नहीं है, बहुत गंदा सा कंटेंट लिखा हुआ है, और उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने जैसे ही पोस्ट किया अपने 1000-2000 दोस्तों को बोला कि यार यहाँ पे जाके आप कमेंट करना शुरू कर दो, इस पोस्ट को लाइक करो और कमेंट करना शुरू कर दो। अब वहां पे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम में चीज ऊपर आ गई कि यार ये कमाल की चीज है कि अभी पोस्ट हुई इस पर इतने लाखों कमेंट्स आना शुरू हो गए, ठीक है। तो उसने इस कमेंट वाले पार्ट ने इन सब चीजों को बाईपास कर दिया और वो ऑटोमेटिकली आपकी टॉप पोजीशन के ऊपर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पैदा ही होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा जी मेरी ये टॉप के ऊपर आ रही है या बॉटम के ऊपर आ रही है या किसी खाते में ही नहीं है, ठीक है।
इसका आपको आइडिया होता है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स कहाँ से देखते हो आप? रिजल्ट आप यहाँ पे आके देखते हो। आज 13 है, यहाँ से मैंने खोला कि जी ये एक पोस्ट है जिसके ऊपर एक परचेज आई है, ठीक है, और कितने में परचेज आई है? 503 रुपये में। इसके दूसरी जो मैंने कैंपेन लगाई वहाँ पे 15 सेल्स आई और 255 रुपये में आई। ठीक है, यहाँ पे 15 सेल्स आई, ये इतने की आई, 7 सेल्स आई इतने में आई। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि यार ये वाली जो मेरी कैंपेन है ना, उसको तो बंद करो, ये वाली जो मेरी कैंपेन है ना, ठीक है, इसने बहुत गंदा रिजल्ट दिया। क्या रीज़न हो सकती है? कंटेंट अच्छा नहीं है, लोग इस पर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, बहुत अरसे से कैंपेन शायद चल रही है, कुछ भी इस तरह के रीजन हो सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, 1200 बंदे ने देखा और किसी एक बंदे ने परचेज की, 30,000 बंदों ने देखा और 15 बंदों ने परचेज की, कन्वर्जन रेट क्या आया? 30,000 15 डिवाइडेड बाई 30,276 मल्टीप्लाई, ओहो उसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 100 एंड अगेन मल्टीप्लाई 100, 0.04% कन्वर्जन रेट, वेरी लो, वेरी बैड। ठीक है, तो आप अपने रिजल्ट के साथ मैयर कर रहे हो उन चीज़ों को कि यार ये अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, इस कैंपेन को अब मैं रोक दूं, चलने दूं। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज़ों का मैयर करते हो। सेकेंडली वो कहाँ गया मोबाइल वाला? यहीं पे तो था, ये रहा। ठीक है, अब आपने इसको किस तरीके कार से फिल्टर करना है। सबसे पहले मैंने इसके नाम को चेंज किया, मैंने बोला कि यार इसको मैं चलाऊंगा 24 साल मोबाइल ऑल ऑटो। ठीक है, और इसकी मैंने एज को भी यहाँ से चेंज कर दिया, क्या कर दिया इसकी एज को? इसकी एज को कर दिया 24 और इसको मैंने बंद कर दिया। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कैंपेन मैंने यहाँ पे लगा दी। अब मैंने इसी कैंपेन में रहते हुए इस एड सेट के ऊपर गया, इसको मैंने डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से इसको मैंने कर लिया डुप्लीकेट। ठीक है, उसी कैंपेन में रहते हुए अब एक मेरे पास ये देखो कॉपी के नाम से आ गई, इसको पहले मैंने कॉपी मिटा दिया और इसमें मैंने कर दिया कि ये एज है 25 से 34 साल, बाकी सब कुछ सेम, सारी टारगेटिंग प्लेसमेंट सब कुछ सेम, बट व्हाट इज द चेंज? चेंज इज इन द एजेस, एजेस माने। ठीक है, फिर इसको मैंने एक और को एडिट किया और डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद इसको मैंने बोला कि आपने ओरिजिनल कैंपेन के अंदर ही पोस्ट करना है, ये आ गया। इसकी कॉपी को रिमूव किया और इसको मैंने एज कर दिया 35 से 54 और एज को यहाँ से भी चेंज कर दिया, फिर उसका नाम चेंज किया और उसके बाद 54 होते डन। और दोबारा हम इस कैंपेन में गए, इसको बंद किया और 44 वाला भी आ गया, 44 वाले को हमने दोबारा डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक किया और अब हम इसको क्या बोलेंगे, इस कॉपी को रिमूव किया एंड 45 से लेके 65 तक। ठीक है, हमने यहाँ पे दो चीज़ों को डायरेक्ट कर दिया यहाँ से, ठीक हो गया। अब एक तो मेरे पास रास्ता ये था कि मैं चार डिफरेंट यहाँ पे कैंपेन्स बना लूँ, ठीक है, चार डिफरेंट कैंपेन्स बना लूँ। सेकंड ऑप्शन क्या थी? एक कैंपेन के अंदर मैंने चार कैंपेन्स बना ली अलग अलग एजेस और अलग अलग उनके साथ। जब कुछ भी काम करते हो ना तो वो पहले आपका ड्राफ्ट में जाता है और फिर आपके पास हमें पब्लिश का बटन आ रहा होता है,
आप उसको पब्लिश करते हो तो वो फिर लाइव होता है। अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, कैंपेन बनाने के बाद कुछ भी एक्टिविटी करने के बाद पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लिया करो फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इस तरह डुप्लीकेट कर सकते हो, सेम आप काम कर सकते हो कैंपेन लेवल के एड लेवल के ऊपर। अब मैंने 18 से 65 साल वालों को कोई और ऐड दिखाना है, ठीक है। इस ऐड को मैंने डुप्लीकेट किया, मैंने इनको 2 ऐड दिखाने हैं, तो मैंने इसको डुप्लीकेट किया और सब चीज़ें सेम होंगी, बस मैंने इस इमेज के ऊपर जाके क्लिक किया और इसमें से मैंने कोई और इमेज सेलेक्ट कर लिया कि जी मैं बूढ़े बाबों को दिखाऊं इस्लामिक वाली चीज़ें, ठीक है, और नौजवानों को दिखाऊं बॉलीवुड वाली चीज़ें। और एक चीज़ ये देखो, मैं इसे कर बड़ा तंग होता हूँ, आप पोस्ट एंगेजमेंट को क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये वन सिलेक्टेड है, वन सिलेक्टेड माने आप इस के अंदर हो। आप इसको मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन करके आप देख सकते हो कि इन 2 कैंपेन्स के अंदर इतने एड सेट हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ से एक एड सेट किया तो ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ से आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो ये बताएगा इसके अंदर एक एड है, वापस एड सेट के अंदर आओगे, इन तमाम एड सेट को आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे एड्स पे गए तो उसने दिखा दिया इन तमाम एड सेट्स में ये एड्स चल रहे हैं। फेसबुक की एडिटिंग वगैरह और इस तरह के काम करने बहुत ही आसान होते हैं, सुविधा के साथ हो जाते हैं। आप एंगेजमेंट पे गए, ठीक है, आपने इस कैंपेन के अंदर एक कैंपेन और ऐड की थी, एक ऐड और लगाया था, ये देखो ये 2 ऐड आ गए, पेज रिफ्रेश किया ये हमारे पास 2 ऐड आ गए। इस कॉपी वाले का नाम हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें इट्स 10:45 बाद में याद रहे, फॉर ओल्ड पीपल लाइक नबील ज़ेब खान, ओके। देन वापस हम ऐड पे आए और हमने यहाँ से 18 से 24 साल वालों को किया और हमने कहा यार हमने इनको ना कोई सोनम कपूर वाले ऐड दिखाने हैं या कैटरीना कैफ वाले ऐड दिखाने हैं, तो हम यहाँ से इसको डुप्लीकेट किया और इसमें हमने चेंजेस जो जो चेंजेस करने थे वो हमने चेंजेस यहाँ पे कर लिए। इसको चेंज करने के बाद यहाँ पे बंद कर दिया और अब हमारे पास क्या किस तरीकेकार से हम इसको लेके चल सकते हैं कि हमने एज वाइज जो ऐड बनाए थे उसमें हम सेपरेटली चेंजेस कर सकते हैं, किसी में हमने 5 ऐड लगानी है, किसी में 10 ऐड लगानी है, किसी में 20 ऐड लगाने हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इन एड्स को लेके चल सकते हो, ओके, ये समझ में आ गई बात। दूसरी चीज क्या होती है इसमें कि अब इन सब में डेटा तो सेम था, कंटेंट सब में सेम था, सिर्फ तस्वीरों को मैंने चेंज किया था। मुझे रात को 1:30 बजे मेरे आईटी वाले ने कॉल की कि यार तुमने जो ऐड पे लिंक लगाया था ना वो बैकएंड से लिंक चेंज हो गया, नया लिंक, ये अपने सारे के सारे ऐड इस नए लिंक पे चेंज कर दो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक ऐड खोलूंगा, उसमें एडिट पे जाऊंगा और उसमें एक एक एडिट करूंगा? नहीं, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा कि अच्छा इन तमाम ऐड सेट पे मुझे लिंक को चेंज करना है, तमाम को सिलेक्ट किया, ऐड लेवल पे गया, वो तमाम ऐड मेरे सामने आ गए जिसमें मैंने एडिट करना था, सबको सेलेक्ट किया, एडिट के ऊपर क्लिक करा और यहाँ पे मैं आ गया, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैंने चेंज करके यहाँ पे लिखना है जी न्यू टेक्स्ट, या किसी की प्राइस चेंज हो गई या लिंक चेंज हो गया है यहाँ से मैं इसका लिंक चेंज कर सकता हूँ और इसको मैं पब्लिश करूँगा तो ये इन तमाम एड्स में ये देखो अपलोडिंग का साइन आ रहा है, इन तमाम में ये चेंजेस अपलोड हो जाएंगी। सो सिंपल, सिंपल था ना, ओके। यहाँ से हमने इसको सारी चेंजेस कर दी और एक चीज हमने आपको बताई थी बजट वाली। अब बजट वाला जो था ना पार्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव लेवल पे हमारे पास कंपेन का बजट आ रहा होता है कि आप पूरी कंपेन का यहाँ से बजट सेट कर सकते हो, ठीक है, वो यहाँ पे बजट में कंपेन लेवल के ऊपर यहाँ पे आपको बजट शो कर रहा होता है कि इस पूरी कंपेन का बजट इतना है। अब उसको इन तमाम कैंपेन्स को डिवाइड करके फेसबुक बजट दे देता है, जो सी कैंपेन अच्छी चल रही होती है उसको ज्यादा बजट मिल जाएगा, जो सी अच्छी नहीं चल रही होती है उसको कम बजट दे देता है, ऑटोमेटिकली चलता है। बट मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे 18 से 24 साल वालों को एड ज्यादा दिखाना है तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बजट लगाऊंगा
और बुजुर्ग को मैंने कम छोटे लेवल पे बजट दिखाना है तो मैं उसका बजट कम कर दूंगा। तो मैं बजट को अपने एड लेवल के ऊपर इस तरीके कार से कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैंने अपने बजट को एड सेट लेवल पे ही रखना है। ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मेरी ये कैंपेन चलती रही इस पूरे महीने में, 1 से लेके 13 तक। इस 20 अप्रैल वाली पोस्ट के अंदर एक मेरी कैंपेन चल रही है, ठीक है। अब मैंने इस कैंपेन को खोला, ठीक है, और इसमें मैंने देखा कि जी सबसे ज़्यादा रिजल्ट किस पर आ रहा है। रिजल्ट पे क्लिक किया तो ये सबसे ऊपर आ गया 72 वाला, ठीक है, सूफी फ्रेम्स, सूफी जो नाम है एतमाद का। अब मैं इसके ऊपर गया व्यू चार्ट के ऊपर और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किए डेमोग्राफिक्स को। अब डेमोग्राफिक्स से मुझे पता चला कि इस एड को 18 से 24 साल के जो लोग हैं मेल, इसको मैंने थोड़ा सा ना 13 से 17 में भी चलाया था, एक आधा दिन चला, उसके बाद वो एड जब ब्लॉक हो गया फिर मैंने बंद कर दिया। थोड़ी सी चला के दिखाई, 18 से 24 साल के जो खवातीन हैं उन्होंने कितनी परचेज की, उन्होंने परचेज की 4। अब इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो ये आपके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 4% पर, 4% परचेज हुई। 72 के 4% जो बनता है वो 3 परचेजेज यहाँ से हुई, और जो रीच गई लोगों खवातीन तक 18 से 24 साल की वो 1,17,000 में से 12,000 रीच गई। और कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आया, कॉस्ट पर परचेज कितनी आई, 408 रुपये। अब इसके अगेंस्ट आप देखो कि 18 से 24 साल मेल से 7 परचेजेज हुई, 21,000 लोगों तक ऐड गया, और कॉस्ट पर एंगेजमेंट क्या हुई, 18,282 रुपीज। तो क्या प्रूफ हुआ कि इस एज की फीमेल्स इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रही, मेल खरीद रहे और सस्ता खरीद रहे हैं, सस्ता बिक रहा है मेल्स को। तो मैं अपनी कंपेन में क्या रखूँ, मैं अपनी कंपेन में रखूँ 18 से 24 साल मेल्स, ओके। सेकंड पे मैं गया, यहाँ पे क्या आ रहा है रिजल्ट, 25 से 34 साल की जो फीमेल हैं वो खरीद रही हैं ज्यादा, ठीक है, और सॉरी सस्ता। कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आया, 179 रुपीज, और इसके ऑपोजिट में आप मेल्स को देखो तो वो है 228 रुपए। तो सस्ता कहाँ पे बिक रहा है, सस्ता फीमेल की तरफ बिक रहा है। तो मैं एक कंपेन बनाऊंगा, वुमेन 25 से 34 साल, और मेल्स के लिए सेपरेट बनाऊंगा, पर वुमेन्स पे ज्यादा बजट फेंकूंगा क्योंकि यहाँ पे सस्ता बिक रहा है। फिर मैं आ गया 35 से 44 साल, ठीक है, इस एज की जो नौजवान फीमेल्स हैं उन्होंने 117 रुपए की बाइंग की, जो कॉस्ट पर ऑर्डर आया वो 117 रुपए था सबसे कम। और इसके अगेंस्ट आप इस उम्र के बुजुर्गों को देखो तो उन्होंने 294 रुपीज का बाय किया। देन एज लिमिट आ जाती है मेरे पास, जो ब्रैकेट आ जाती है वो आ जाती है 45 से 54। किसी खातून ने जुरत नहीं की बाय करने की और 4 मर्दों ने जसारत फरमाई और 212 रुपए की बाइंग हुई, ठीक है, 212 भी ठीक है, डिसेंट है, अच्छा है। फिर हम आगे 55 से 64 ईयर की नौजवान तरीन फीमेल कमसिन खवातीन ने जो बाइंग की वो थी 232 रुपीज की, और मर्दों ने बाइंग की वो थी 125 रुपए की। अब मैं अपने नई न्यू कंपेन को किस तरीके कार से डिजाइन करता हूँ, किस तरीके कार से एज वाइज में उनको मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया, और ये आइडिया क्या है, ये प्रूवन फैक्ट्स के ऊपर है कि जी लास्ट 13 डेज में मेरे इस एक कंपेन से जो सबसे ज्यादा सबसे कम पैसों में बाइंग हुई है वो की है इन खवातीन ने जो के हैं 35 से 44 साल, और इन बुजुर्गों ने जो के हैं 55 से 64 ईयर्स के बीच में, ठीक है। तो मैंने दो कंपेन तो इनके लिए छोटे छोटे बजट के ऊपर बना के चला दी। फिर मैंने सेकेंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की, मैं गया 25 से 34 साल के मेल्स और फीमेल्स दोनों ने सबसे ज्यादा बाइंग की, बट फीमेल्स की तरफ से रेट कम मिला, कॉस्ट पर ऑर्डर कम मिला, मेल्स की तरफ से कॉस्ट पर ऑर्डर ज्यादा मिला। तो मैंने दो सेपरेट कैंपेन्स इन दोनों एज ग्रुप्स के लिए भी बना दी, इन दोनों जेंडर्स के लिए भी बना दी, बट मेल्स की तरफ मैंने बजट थोड़ा सा ज्यादा रखा और मेल्स की तरफ से बजट थोड़ा सा कम कर दिया। फिर 18 से 24 साल खवातीन बहुत महंगी थी, इनको कटा दिया इस एड से,
किसी 18 से 24 साल की बुजुर्ग औरत को ऐड नहीं दिखेगा, और ऐड दिखेगा तो वो 18 से 24 साल के लोनों को ऐड दिखेगा। और फिर 13 से 27 17 को मैंने थोड़ा टेस्ट रन करने के लिए ऐड चलाया था कि देखूं ऐड चलता कि नहीं चलता, वो एक आधा दिन चला फिर बंद हो गया, एरर आ गया कि जी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आप इसको रिमूव करो। ठीक है, उसके बाद प्लेसमेंट्स का आईडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा कि जी फेसबुक के ऊपर मैं करता हूँ मोबाइल ओनली, तो मोबाइल से आपको इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, इतना पैसा आपका मोबाइल फोन पे लगा। ठीक है, ये रीच है, ये ब्लू वाला ग्रीन वाली रीच है, ब्लू वाला ऑर्डर है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रीच कम हुई और ऑर्डर ज्यादा गए। ठीक है, मतलब रेलिवेंट ऑडियंस जो बैठी थी वो इंस्टाग्राम के ऊपर थी, कम लोगों को दिखा के ज्यादा ऐड खींच लिए, फेसबुक पे ज्यादा लोगों को ऐड दिखाना पड़ा और कम परचेजेस आए। नहीं सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ग्रीन वाली परचेज है और जो ब्लू वाला है वो रीच है, और फेसबुक पे रीच और जो था रिजल्ट था उसमें डिफरेंट था, फेसबुक से ज्यादा परचेजेस आई और इंस्टाग्राम से कम परचेज आई और रीच ज्यादा की। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है, और इस रिजल्ट को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, आपने इंप्रेशन देखने हैं, आपने स्पेंड देखना है, ज्यादा स्पेंड कहाँ हुआ, ग्रीन वाला स्पेंड के ज्यादा स्पेंड यहाँ पे हुआ और इंस्टाग्राम पे कम स्पेंड हुआ। और आपको ये आइडिया भी हो सकता है कि ज्यादा स्पेंड करने के बाद आपकी रीच उस स्पेंड के वॉल्यूम से कम थी, इंस्टाग्राम पे कम खर्चा किया पर रीच ज्यादा गई। हेंस प्रूफ क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे आप छोटे बजट के साथ ज्यादा रीच भी हासिल कर सकते हो, बट ऑर्डर्स आपको फेसबुक से फिर भी ज्यादा आते हैं। यहाँ से हम डेस्कटॉप ओनली करते हैं तो वो बता रहा है कि जी डेस्कटॉप पे भी आपके हमने 300 रुपए लगाए और 100 बंदों को ऐड दिखाया, और वेबसाइट से हम पूछते हैं जी परचेज कितनी आई, तो कहते हैं जी सिर्फ 2 ऑर्डर आए। पर ठीक है, अगर 300 लगा के 2 ऑर्डर भी डेस्कटॉप से आ गए तो इट्स ओके। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की सेशन, यहाँ से आपको थोड़ा सा ये चार्ट वगैरह बना मिल सकता है। आप बोलो जी मेरा ये 12 तारीख का जो था जी मेरा टॉप का था, इस पे मेरे पास अच्छे ऑर्डर्स आए, मेरे 19-10 तारीख को ऑर्डर्स कम थे, आज मेरे ऑर्डर्स ठीक हैं, तो आप इसका एक बना सकते हो, एवरेज बना सकते हो, जी मेरी एवरेज सेट होगी और ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो ये हमारा जो सेकंड फेज था, सेकंड हमारा पार्ट था सेशन का, फेसबुक मार्केटिंग का, वो भी हो गया कंप्लीट। अगर आपको कोई सवाल है तो आप बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपने सबसे पहले देना है फीडबैक, कितने दिन हो गए आपने फीडबैक नहीं दिया, और आज हम फीडबैक लेंगे आप लोगों से एक न्यू प्लेस के ऊपर, एक नया पेज, एक नई दुनिया, ये दुनिया है पत्थर की। कहाँ पे लें फीडबैक, यहाँ पे लेते हैं। चले जी, ये आपके पास व्हाट इज पोस्ट एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट देखिए, जो पोस्ट होती है ना जब उनकी एंगेजमेंट हो जाती है तो उसको पोस्ट एंगेजमेंट कहते हैं। एक होती है प्री एंगेजमेंट जो कि वो पहले मंगनी हो जाती है, और एक होती है पोस्ट एंगेजमेंट जो कि मंगनी के बाद। पोस्ट एंगेजमेंट जो होती है ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपको मैंने YouTube का एक वीडियो का लिंक भेजा है, इस वीडियो को देख भी लेना अगर वक्त मिले, और अभी फिलहाल इस वीडियो पे जाके नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स फीडबैक आज का दे दीजिए, इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंस्टाग्राम की मार्केटिंग अलहदा होती है या नहीं, आपने लगता है जाहिद मलिक हमारी क्लासेस पिछली नहीं ली, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक प्लेटफॉर्म से आप मार्केटिंग कर सकते हो। चलिए मैं रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ यहीं पे, जस्ट रिमेम्बर सर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी क्या इसकी, जी रिकॉर्डिंग आपको इसकी